मेरा नाम मोहन शर्मा है, पंडित मोहन शर्मा। मैं विगत 15 साल से मंदिर में भगवान हनुमान जी की सेवा में कार्यरत हूँ। मंदिर का इतिहास ये है, मंदिर एक सिद्ध पीठ माना जाता है। इस मंदिर से पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं, और शनिवार मंगलवार को भक्तों का विशेष यहाँ आना जाना लगा रहता है। और मंदिर का विशेषता है कि मंदिर पहले ये मूर्ति जो है कि कोई महात्मा पहले पूजा करते थे, उनके महात्म्य द्वारा फिर यहाँ मंदिर में स्थापना किया गया है। तो मूर्ति में अपने आप में सिद्धिता है और मूर्ति में एक अलौकिक शक्ति भी है। ये स्थापना तो 42 साल हो गया है, लेकिन उससे पहले भी महात्मा ने कई साल पहले ही उन्हें पूजा करते हुए आए। मूर्ति है तो मूर्ति का तो पता नहीं बता सकते कितनी पुरानी है, लेकिन मंदिर में स्थापना हुई यहाँ पे तो 42 साल तक हो गया। अर्जी लगाने के लिए विशेष करके मध्य प्रदेश से बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे अपना दिल्ली, मुंबई और इधर आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर और आपका इधर बेंगलोर, साउथ इंडिया, उधर से भी लोग जो हैं मंदिर से जुड़े हुए हैं वो सब आते हैं जी। विदेशों से भी जो लोग यहाँ जुड़ के विदेश गए हैं, पहले इस मंदिर की जानकारी जिनको है वो विदेश में है, तो विदेश से भी जुड़ते हैं और उनके साथ नए नए लोग भी आते हैं। कई विदेशी पर्यटक जो आते हैं भोपाल घूमने के लिए वो यहाँ भी आते हैं। अर्जी लगाने का ये तरीका है कि एक माला और नारियल और उसमें 11 रुपया भेंट रखते हैं, जिसकी जथा शक्ति हो वो भेंट रखते हैं, भगवान को अपना अर्जी लगाते हैं कि मेरी कामना पूरी हो जाए तो प्रभु के चरणों में दोबारा आके फिर हम प्रभु को विधि विधान से पूजा करेंगे, ऐसा मन में भावना रखते हुए लोग अर्जी लगाते हैं। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चलती है तो वहाँ के सारे हमारे नेता लोग हैं सब आते हैं, आके भगवान से कामना करते हैं कि उनको विजय श्री मिले। अभी जैसे चुनाव का समय हो गया तो उन समय भी आते हैं, जैसे कांग्रेस से पीसी शर्मा हो गया, इसमें दिग्विजय सिंह भी आए हैं, और इससे पहले अपने रामेश्वर शर्मा जी भी आते हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं सब आते हैं। देवगन ठाकुर अभी बीच में यहाँ जब कथा हुई थी ये दशहरा मैदान में, तो उस समय मंदिर में दर्शन करने आए थे। ये सब भक्तों का कृपा है और हनुमान जी की अपनी इच्छा से करते हैं, जो उनको जिससे लेना हो उनसे लेते हैं, अब किसी से गदा लेते हैं, किसी से सिंहासन बनवाते हैं। ये मंदिर भी भक्तों द्वारा ही बनी हुई है, बस मंदिर व्यापारी संघ के सभी लोगों के सहयोग भी है, और यहाँ बहुत विशाल भंडारा लगता है हनुमान जयंती में। इसके ऊपर भी राम दरबार है, देवी दरबार है। खेड़ापति गाँव खेड़ा पहले बोलते थे, वही गाँव खेड़ा शब्द है, और उसी शब्द को खेड़ापति मतलब गाँव खेड़े के स्वामी, पति स्वामी बोला जाता है, तो इसे खेड़ापति हनुमान जी मतलब इस स्थान के स्वामी है, इसीलिए उनको खेड़ापति बोला गया। बहुत सारे लोग हैं आते हैं, कोई रोते हुए आते हैं फिर हंसते हुए जाते हैं, प्रभु की ऐसी माया है, पहले रोते हुए आते हैं अर्जी लगाते हैं, फिर बाद में आते पंडित जी हमारा कार्य पूरा हो गया, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जाते हैं।